और चलिए आगे बढ़ते खबरों में, एक जमशेदपुर से खबर है जहां पर यह बताया जा रहा है, जमशेदपुर से काशीडीह में भोग वितरण पर रोक लग गई है। तो भोग वितरण पर रोक मामले ने तूल पकड़ा है। यहां पर बता दें कि एक पूजा पंडाल में जमशेदपुर में भोग का वितरण हो रहा था, जबकि साफ तौर पर सरकार ने निर्देश दिया था कि पूजा का वितरण नहीं हो सकता, भोग का वितरण हो नहीं सकता है। प्रशासन ने यह साफ कहा था, प्रशासन से माफी मांगने को कहा गया है, क्योंकि इस मामले में बहुत ही अजीब बात सामने आई है। और इस पूरे मामले में क्या कुछ और चीजें निकल कर आई है, हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का, जो हमारे साथ सीधा जुड़े। प्रभात, सबसे पहले तो ये कि ये मामला कहां का है और विवाद की शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल पंकज, मैं बता दूं कि काशीडीह दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा भोग का वितरण किया जा रहा था। ये जमशेदपुर के काशीडीह दुर्गा पूजा में जो सरकार का गाइडलाइन था कि आपको भोग का वितरण नहीं करना है, वो भोग का वितरण हो रहा था। डीसी को किसी ने दूरभाष से सूचना दिए थे कि काफी भीड़ लग गया और भोग का वितरण हो रहा है, तो जमशेदपुर के उपायुक्त तमाम थाना के थाना प्रभारी वहां पहुंचे और भोग जो वितरण हो रहा था उसको वहां पर बंद कराया। हालांकि बाद में जो पूजा कमेटी के जो संरक्षक है अभय सिंह और डीसी के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई थी उन लोगों के बीच में। बाद में मामले को डीसी ने पटाक्षेप किया था, मामला ऐसे पटाक्षेप हुआ था कि डीसी को सूचना दी थी भीड़ लगा हुआ, और वाकई में भीड़ भी लगा था, लेकिन कूपन बांटने की बात कही गई थी कि हम लोगों ने घर घर कूपन बांटा है, घर वाले आके यहाँ भोग ले रहे थे, इसको लेकर बहुत हॉट टॉक हुआ था और उसमें अभय सिंह और डीसी के बीच में बहुत गर्मा गर्मी हुई थी। उसके बाद कल भी एक बैठक हुई थी और आज भी एक बैठक हुई है, उसी सब कल जो अभय सिंह है संरक्षक, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक जिला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे। तो आज भी केंद्रीय पूजा समिति है जो जमशेदपुर का, उनके साथ में बैठक हुआ और हमारे साथ केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष है बनर्जी दा, उन्हीं से जान लेते हैं सीधे कि आज की जो बैठक में क्या निर्णय लिया आप लोगों ने, जो कल की घटना हुई थी भोग वितरण को लेके, तो आज आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है बैठक में? सबसे पहले मैं आपको एक बात का जानकारी दूं, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति 99 साल पुराना संस्था है, जो जमशेदपुर के आज के दिन 350 पूजा को एक जगह करके उस पूजा कमेटी का जो भी दिक्कत है उस दिक्कत को और प्रशासन के बीच में पुल का काम करता है। अब रहा सवाल की कल का घटना से आज जो मीटिंग हुआ उसमें केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की सारे लोग को इनवाइट था, जिसमें मैं अध्यक्ष के नाते हमारे टीम के साथ उपस्थित हुआ था। उस मीटिंग में ये तय किया गया कि कल प्रशासन द्वारा जो काम किया गया उस काम के लिए प्रशासन माफी मांगे, नहीं तो चूंकि एक आस्था का विषय था, भोग का विषय था, नहीं तो हम लोग कोई भी मूर्ति विसर्जन कल नहीं करेंगे। मैं केंद्रीय समिति के अध्यक्ष होने के नाते सारे पूजा कमेटी का जो निर्णय था मैं उसका समर्थन किया। अब बात यह है कि हमसे समिति नहीं है, समिति से हम है, सारे समिति केंद्रीय पूजा को मानता है, केंद्रीय दुर्गा पूजा को इस चीज के लिए गठित किया है कि कोई भी तरह का अगर पूजा कमेटी में दिक्कत हो तो सरकार से उस पूजा कमेटी का बीच का पुल का काम, यह विगत 99 साल से होता आया है, मैं इसमें 4 साल से अध्यक्ष हूँ। तो कल जो घटना है उसके आधार पर सारे पूजा कमेटी का जो निर्णय है केंद्रीय समिति उसका समर्थन करता है, यही हमारा कहना है। तो कल मूर्ति का विसर्जन होगा या नहीं होगा? अभी तक का जो परिस्थिति है उसमें तो कल विसर्जन नहीं होने का ही है, अभी तक जो परिस्थिति है उसमें सारा समिति यही तय किया कि कल विसर्जन नहीं होगा। अगर प्रशासन आके आप लोगों से गलती की माफी मांगता है तो क्या विसर्जन होगा? जी जी बिल्कुल होगा, ये ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्रभात, प्रभात, एक सवाल प्रभात, यानी कि जो भोग का वितरण किया जाना है उसको ये केंद्रीय पूजा समिति और जो विभिन्न पूजा समितियां उसे वो गलत नहीं मानते हैं, आशा से जोड़ रहे उसे, जबकि गाइडलाइन तो साफ है सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप आस्था से जोड़ रहे हैं पूजा को भोग के, लेकिन सरकार का गाइडलाइन था कि भोग आपको होम डिलीवरी देना है और भोग को खिलाना नहीं है, बांटना नहीं है, लेकिन वहां तो भोग बट रहा था। ऐसा कोई फुटेज सरकार के पास नहीं है कि वहां भोग बट रहा था, लाइन था भोग लेने के लिए। देखिए बहुत सा गाइडलाइन सरकार दिया है, सारे गाइडलाइन का सारे पूजा समिति पालन किया है, ये संभव है क्या हर समिति में इतना हजारों लोग को भोग घर पहुंचाने का? ठीक है वो भी बात है कि लोग पहुंचा रहा लेकिन कोई खा नहीं रहा था, लेके जा रहा था,
और इस बात है जो भोग यदि बनेगा तो आप ही बताइए क्या करेगा। भोग जब बनेगा तो माँ तो भोग खाएगी नहीं, भोग तो उनका भक्त ही खाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अगर गाइडलाइन का उल्लंघन तो मानेंगे फिर? नहीं नहीं, गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं था, चूंकि फुटरेज में कहीं नहीं है कि कोई बैठ के वहाँ भोग खा रहा था। आप पहुँचाने का बात कर रहे हैं, हम लोगों को कहा कि आपने कोविड को फॉलो करके लाइन लगा के भोग ले जाइए। लाइन तो सब जगह है, आज आप बात कर रहे हैं 5 बजे टाटा कंपनी का गेट में जाइए, 500 आदमी का लाइन है। आज आप कोई भी दुकान में जाइए भीड़ लगा हुआ है, सीएम का प्रोग्राम में लाइन लग रहा, मंत्री का प्रोग्राम में लाइन लग रहा। तो ये निश्चित तौर पर अब ये जिला प्रशासन और पूजा समिति के बीच में विवाद हुआ है, उसको मिल बात कर ही सुलझाना होगा, और गलती जिसकी होगी उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए क्योंकि ये गाइडलाइंस का उल्लंघन है। बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े हैं आप। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मामला है जो कि तूल पकड़ चुका है और इसमें तमाम पूजा समितियां एकजुट हो गई हैं और केंद्रीय पूजा समिति की ओर से कहा जा रहा है जमशेदपुर में कि जिला प्रशासन माफी मांगे। सुन रहे हैं तो कान खोल करके सुन लो, अब ऐसी क्रिमिनल नहीं है, दबन घुमा अलग बात है, धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें 100 बार झेल जाना होगा तो झेल जाने के लिए तैयार है। हमने कहा कि जाकर तुमसे कह दो कि माफी तो आपको मांगना होगा, एक्सक्यूज तो करना पड़ेगा। आप हिंदू के मंदिर पर हमला किए हैं और हमने थोड़ा सा मुद्दा एक विषय को उठा दिया, नदी पार के व्यक्ति का रखा जिसके नाम भी लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि माफी मांगे। अरे हमने कहा कि हम दो काम करेंगे, सारे नदी माफी मांगने लगे। दूसरी बात, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, पूजा आपका है, यहाँ के लोग भी आपके, सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन सरकार आप हमारी, लेकिन आपका फर्ज है अपने डीसी या सक्षम पदाधिकारी से। आप तो आस्था के हवाले से इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जा सकता है क्योंकि जब लोग संक्रमित हो जाएंगे गाइडलाइंस का पालन नहीं करके तब आस्था काम नहीं आएगी। आस्था के साथ आप रहिए, आप मां पर विश्वास कीजिए और पूजा पंडाल में जाइए, दर्शन कीजिए, लेकिन मानकों का पालन तो कीजिए, उसका उल्लंघन करने की इजाजत तो कोई नहीं दे सकता, मां भी नहीं देगी शायद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।